बहुत सारा इनाम पहले दे चुके हैं, 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। और एक बात की फरमाइश भी करी है पंडित मांगेराम जी की, रागनी है भाई से ने ठाकर ले जाओ है दो लीप तक। जस्सी पेटवार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं दीपेंद्र जी हुड्डा अपने दलबल के साथ प्रांगण में पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत है दीपेंद्र जी हुड्डा। राज्यसभा सांसद, युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं पूरी नारायण गौशाला कमेटी के मेंबरान से प्रार्थना करूंगा कि वो उनको उस शेड में लेके जाएं जिनका उद्घाटन करना है। हमारे जयप्रकाश जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। जयप्रकाश जी हमारे बीच में, धर्मवीर गोयल हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी सम्मानित व्यक्तित्वों का नारायण गौशाला और नारायण के जनमानस की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सुमन शर्मा एक्स चेयरमैन हांसी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान नेता चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा लुदास हमारे बीच हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी मंचासीन नेताओं से प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ले, और कमेटी के मेंबरान से प्रार्थना है व्यवस्था बनाए रखें। युवाओं के दिलों की धड़कन, आज के समय की मांग, दीपेंद्र जी हुड्डा हमारे बीच पहुंच चुके हैं, साथ में जंगी खांडा हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सत्यनारायण लाठर मंत्री के पुत्र हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी दीपेंद्र जी हुड्डा जो 2017 में 11.25 लाख रुपए देकर गए थे इसी मंच पर, उसी सेट का अपने करकमलों से उद्घाटन कर रहे हैं दीपेंद्र जी हुड्डा। वैसे तो जब भी नारायण में इनको बुलाया जाता है शहर स्वीकार करके अपने दल बल के साथ आ जाते हैं, बड़े औभाग्य की बात है कि आज भाई जयप्रकाश जी भी हमारे बीच में हैं, और उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान नेता चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा लुदास उनके साथ है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी नेताओं का जो भी उनके साथ है, पूरे नारायण के जनमानस की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ सभी नेताओं का। जोरदार तालियों से स्वागत है युवाओं के दिलों की धड़कन, दीपेंद्र जी हुड्डा हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उमेश सिंह लोहान हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंच पर व्यवस्था बनाए रखें, युवाओं के दिलों की धड़कन, दीपेंद्र जी हुड्डा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी नारायण के जनमानस से प्रार्थना है, जोरदार तालियों से स्वागत है, तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत है माननीय सांसद साहब दीपेंद्र जी हुड्डा का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंच से जो भी है कमेटी के मेंबरान से प्रार्थना है व्यवस्था बनाए रखें, ताकि जनमानस को युवा नेता के दर्शन हो सके। सर,
चाहे कमेटी के मेंबरान हो चाहे कोई और हो, उनसे प्रार्थना है आज ये सीट खाली कर दे ताकि आने वाले नेता आराम से बैठ सके और हमारी जो मांगे हमें सुन सके और हमें मार्गदर्शन दे सके। सबसे पहले बुक्का से स्वागत करेंगे सतीश जी आर्य, धर्मपाल मित्तल, रामप्रकाश मित्तल, उनसे प्रार्थना की बुक्का से पहले सम्मानित करें। बुक्के से स्वागत करेंगे धर्मपाल जी मित्तल, सतीश जी आर्य कमेटी के मेंबरान, उनसे प्रार्थना है बुक्का देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत है। उमेद लोहान जी हमारे बीच हैं, जेपी भाई हमारे बीच हैं, सभी जनमानस जन नेता हमारे बीच में हैं, सभी का स्वागत है। रणदीप जी लोहान चद्दर से सम्मानित करेंगे दीपेंद्र जी हुड्डा को और जयप्रकाश जी को, धर्मवीर गोयत जी को। रणदीप जी व्यवस्था बनाए रखे मंच पर, कमेटी के मेंबरान से चद्दर से सम्मानित करेंगे। पहले पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं हमारी नारनौंद की जो सतरोल गौशाला की मैनेजमेंट है, पगड़ी पहनाकर युवा सांसद को सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रणदीप लोहान से प्रार्थना करूंगा, जयप्रकाशियों को भी पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। व्यवस्था से प्यार से रणदीप जी युवा सांसद को चद्दर भेंट कर रहे हैं। रणदीप जी जयप्रकाश जी को भी चद्दर से सम्मानित करेंगे। रणदीप जी रणदीप जल्दी कर, दो मिनट रुक जा। सभी से प्रार्थना है अपना स्थान ले, कमेटी के मेंबरान से प्रार्थना है कि अपना स्थान ले। कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है। सभी कमेटी के मेंबरान से करबद्ध प्रार्थना है वो व्यवस्था बनाकर बैठ जाएं। नाम उनका जिनका बेरा था वो लिख रखे हैं, लिख ले। जो भी मंचासीन है मंच पर व्यवस्था बनाए रखें, लिख ले राजेंद्र सूरा लिख ले। दो इंगे मैं नारनौंद की ओर से रणदीप लोहान से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने श्री मुख्य हमारे नेताओं का अभिनंदन करें। रणदीप जी शुरू कर दें।
मंच पर विराजमान राज्यसभा सांसद, मैं तो कहूंगा हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ आए मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे बड़े आदरणीय श्री जयप्रकाश जी पूर्व मंत्री भारत सरकार, साथ में आए धर्मवीर गोयल जी, उमेद लोहान जी, जस्सी पेटवाड़ जी, तेजवीर पुनिया जी, भाई दिलबाग हुड्डा जी, सम्मानित मंच, किसी भाई का नाम एक के कलमा तो रह जाएगा। मैं मेरी तरफ से, गौशाला की तरफ से और नानू की तरफ से मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सांसद साहब को बताना चाहता हूँ, जो आपने पिछली बार हमें 11 लाख की ग्रांट दी थी, जिसका आपने आज शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो उसके लिए भी पूरे नानंद की तरफ से और कमेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले की तरह अब की बार भी हम जब हुड्डा साहब से मिलने के लिए गए, प्रोग्राम लेने के लिए गए, तो इनका एक ही अनुवाद था कि कहने लगे कि नानंद की गौशाला मेरी खुद की गौशाला है, आपने बोला है तो मैं आप जरूर आऊंगा। तो मैं उसके लिए भी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतना कीमती समय निकाल करके जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि आज के भी 7 प्रोग्राम है एमपी साहब के, इतने बिजी शेड्यूल में आप यहाँ आए, हमारे ऊपर इतना मान सम्मान किया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रणदीप जी। वैसे तो जनवरी का महीना दीपेंद्र जी हुड्डा के लिए, अरे यार रुक जा, आप सभी जानते हैं कि 4 जनवरी 1978 का इनका जन्म भी है और आज के दिन हवन भी हुआ था, मकर संक्रांति के दिन इनके जन्म उत्सव पर हवन हुआ था। आपके बीच में ज्यादा न रहकर मैं जयप्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जल्दी में है भाई जयप्रकाश जी। बहुत ही सम्मान के योग, भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत के और हरियाणा प्रदेश के विपक्ष के इकलौते सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण, नानुंद और नानुंद के आसपास के इलाके से आए हुए गौशाला प्रेमी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, बुजुर्ग और साथियों, दीपेंद्र सिंह जी ने 3 गौशाला में अभी और जाना है और मैंने भी, जहां हमारे 3 किसान शहीद हुए थे, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से 3-3 लाख रुपए देने हैं। 5 बजे मैंने उनको शेरदा में टाइम दिया हुआ है। मैं आपसे केवल एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों का हौसला, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति दिखाई दे रहा है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जब भी समय आएगा ये लुटेरे किस्म के लोग यहाँ से जाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के राजभाग के मालिक बनेंगे, ऐसी मेरी अपनी सोच। साथियों, आप लोगों ने आज से समझो कि 2 बार लोकसभा और विधानसभा में गुस्से में आकर के, भावना में बह करके, जोश रक्रोश में आकर के यहां से ऐसे लोगों को चुनाव जितवा करके भेजा जिनके वोट की वजह से इस देश और प्रदेश में ऐसी सरकारें बनी। जो केंद्र की सरकार है वो अंकार में डूबी हुई है, अखंड अंकार। भारतवर्ष के 135 करोड़ लोग दिल्ली की सीमाओं पर, भारतवर्ष के अलग अलग कोणों पर, मालों के ऊपर, पेट्रोल पंपों के ऊपर, टोल प्लाजा के ऊपर धरना दिए बैठे हैं, लेकिन भारतवर्ष की एक गूंगी बैरी और अंकारी सरकार इस देश के किसान और मजदूर की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके बाद जहां एक गलती हुई, दूसरी गलती ये हुई कि आप लोगों ने ये जच्चा बच्चा और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनाई और ये जच्चा बच्चा के भाई बार बार आपके बीच में, कई विधायक ये कहते हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं,
मैं आज इस गौशाला की पवित्र धरती पर खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, यदि इस प्रदेश के किसान और मजदूर के सच्चे हितैषी हैं, जिस वक्त जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भारत हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से कहा कि राज्यपाल जी हरियाणा प्रदेश की सरकार बहुमत खो चुकी है, अल्पमत में है, सेशन बुलाइए, लेकिन ये जच्चा बच्चा के विधायक आपके बीच में आकर के तो ये कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं। यदि वो आज किसान के साथ हैं तो उन्होंने बयान देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का एक हिस्सेदार है, कि जल्दी से जल्दी सेशन बुलाओ। और जिस दिन बुजुर्गों और भाइयों हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सेशन आ जाएगा 8 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही विश्वास मत सरकार ने हासिल करना पड़ेगा, विधायकों का पता लग जाएगा कि कौन किसान के साथ है, कौन किसान के खिलाफ है। तो इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग आज भी आपके बीच में बहकाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, आज भी ये जच्चा बच्चा के ऊपर मुख्यमंत्री क्या नाम है सचोरे का दुष्यंत सिंह ये कहता है हम किसानों के साथ हैं। अरे भाई तू किसानों के साथ है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये कहा कि हम चाहे सारा किसान और मजदूर बर्बाद हो जाए लेकिन हम सरकार को नहीं टूटने देंगे। कल मनोहर लाल जी का बयान आपके सामने आया होगा कि सरकार 5 वर्ष चलेगी। बुजुर्गों और भाइयों, आप लोगों ने भावना में बह करके गुस्से में आकर के या एक प्रचार किया गया था, इसके अंदर तो फला आदमी की फोटो दिखाई देवे है, आज वो फला आदमी वाला आप लोगों के 62 किसानों को जो शहादत देने पर मजबूर किया, उसका नाम दुष्यंत सिंह चौटाला है, जच्चा बच्चा पार्टी है। यदि ये जच्चा बच्चा पार्टी समर्थन वापिस ले ले तो मनोहर लाल की शाम से पहले सरकार गिर जाए, और हरियाणा प्रदेश में जैसे सरकार गिरेगी नैतिकता की दृष्टि से पूरा विपक्ष भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पर दबाव डालेगा कि प्रधानमंत्री जी आप किसानों के विरोध में जो ये काले 3 कानून पास किए हैं, जो किसान विरोधी कानून पास किए हैं, उनको आप वापिस क्यों नहीं लेते। तो इसलिए बुजुर्गों और साथियों, मैं तो आपसे नम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा, और मैं भाई दीपेंद्र सिंह जी से भी कहना चाहूंगा कि दीपेंद्र सिंह जी, आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति विशेष तौर से नौजवान आपके चेहरे की तरफ लिखा रहा है, क्योंकि 42 साल की उम्र में चौथी बार अगर कोई सांसद बना है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बना है। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, आप इनको आशीर्वाद दो, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की, किसान और मजदूर की, जो आज इतनी ठिठुरती सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पे या टोल प्लाजा पर बैठे हैं, उनका साथ दो और उनकी लड़ाई में आगे किसानों को रखो, किसान संगठनों को रखो, पीछे आप खड़े होकर के मजबूती से साथ दो, ताकि आने वाले समय में इस प्रदेश का नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। यही बात कहने के लिए हम आपके बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हैं उमेद सिंह लोहान, वे आए और आज के युवा सांसद का हार्दिक अभिनंदन करें। उमेद सिंह लोहान, भाई सब भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। बोलण का नंबर तो कौन था मेरा, तो पहला हमारे बहुत सीनियर नेता हैं जयप्रकाश जी, वो बोल गए थे, और एमपी साहब लेट भी होने लग रहे थे, आज सवेरे लग गए थे। पहला छात्र प्रोग्राम था इनका, फिर डॉक्टर था, और इसके बाद भी 2-3 प्रोग्राम और रह रहे हैं गौशाला के। तो सलाह आई थी भाई जयप्रकाश जी ने और एमपी साहब ने बुलावा, लेकिन फिर भी जब धर्मपाल जी ने विशेष कर अनुरोध किया तो आप भाइयों तो राम राम करने का मौका मिल गया। भाई दीपेंद्र जी राज्यसभा सांसद, भाई जयप्रकाश जी पूर्व मंत्री, सम्मानित मंच गौशाला समिति के तमाम हमारे सदस्यगण और प्रेस के भाइयों, और सामने बैठे मेरे दादे चाचे और भाइयों, मेरे से पहले जयप्रकाश जी ने सारी बातें विस्तार से आप लोगों के बीच में रखने का काम किया,
आज त्योहार का दिन है, बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन आज साथियों ना तो आपके चेहरे पर खुशी है न मंच पर बैठे किसी नेता के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि हमारा शरीर बेशक दादा देवराज धर्मशाला में है, लेकिन आत्मा है जो हमारा दिल है, हमारा मन है, वो सबका दिल्ली बॉर्डर पर है भाइयों, जहां लाखों की संख्या में इस ठिठुरती सर्दी में हमारे भाई सर्दी में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और उस संघर्ष में आज तक 60 से भी ऊपर किसान अपनी जान देने का काम कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सरकार की हट देख ली, आक उनकी कान पे कोई जू भी नहीं रेंगन लग रही, तो सारी बातें बाद में करूंगा, आज समय नहीं है एमपी साहब के पास। मैं पुणे एमपी साहब का आए हुए आप सारे लोगों का यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और अपनी ओर से 51,000 रुपये इसको गौशाला को और समिति को भी देने की घोषणा करता हूं। आप सब का यहां समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुबह से जिस घड़ी की जिस पल की इंतजार थी, हमारे बीच में है दीपेंद्र जी हुड्डा। युवाओं के दिलों की धड़कन, जोरदार तालियों से स्वागत है दीपेंद्र जी हुड्डा। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, और ठीक सो। हमारे बीच में हमारे बहुत ही संघर्षशील, इस इलाके के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, जिनका एक बहुत बड़ा संघर्ष और एक तपस्या रही है, यहाँ से सांसद भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी। हमारे बीच में हमारे संघर्षशील साथी भाई उमेद लोहान जी, हमारे साथी भाई जसी पेटवाड़ जी, हमारे प्रधान गौशाला के सतीश आर्य जी, धर्मवीर गोयत जी, सुमन शर्मा जी, तेजवीर पुनिया जी, धर्मपाल मित्तल जी, राम अवतार मित्तल जी, सुरजीत लोहान जी, कुलदीप गौतम जी, ये कमेटी के हमारे सदस्य हैं, रणदीप लोहान जी, रामदिया जी, हमारे एक्स चेयरमैन दिलबाग हुड्डा जी, देवेंद्र भाई, देवेंद्र जी, ब्यास जी, बिट्टू लोहान जी, छत्रपाल सोनी जी, हमारे प्रदीप मलिक जी, सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपको, आपके परिवार को संक्रांत की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा हो, ढेरों खुशियां भगवान आपके घरों में दे, ऐसी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पे मैं भी, जो भी इससे पहले बात की गई, जयप्रकाश जी ने जो बात कही थी कि आज हमें त्यौहार की खुशी तो है, मगर साथ में कहीं ना कहीं हमारे दिलों में टीस है। शरीर यहाँ है, मगर हमारा दिल, जो लाखों की तादाद में टीकरी बॉर्डर पे, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पे, बाकी बॉर्डर सारे बॉर्डरों पे लाखों की तादाद में पिछले 2 महीने लगभग से पूरे देश के, हमारे इलाके के भी और पूरे देश से आए, दूर दूर से आए हुए किसान धरने के रूप में डटे हुए हैं। परसों में टिकरी बॉर्डर पे गया, वहाँ लगभग 21 किलोमीटर का, पहली ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रॉली तक 21 किलोमीटर का धरना, कभी ना कभी देखा ना कभी हमने सुना, और इतनी, और संख्या बल हर रोज बढ़ रहा है, और केवल संख्या बल वहाँ नहीं बढ़ रहा, हर रोज जो किसानों की जो जानें जा रही हैं, जो जान कुर्बान किसान कर रहे हैं, उन धरनों से हरियाणा के, पंजाब के गांव के अंदर सब हर रोज वापस आ रहे हैं, लौट के वापस आ रहे हैं। उसकी भी संख्या 70 के लगभग किसानों ने अभी तक अपनी जान दी, जिसमें एक तो कल ही रात को जो है जीन कैथल बॉर्डर का जो गांव है, पिडल गांव के अंदर, कल रात को एक शव वापस आई। तो ऐसे में हम त्यौहार में खुशी तो मना रहे हैं, मगर एक बार हमें अपने उन
जो है किसानों के बारे में भी सोचना हमारे दिल के अंदर, उस बात का भी दर्द है। तो आज सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इसमें अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस कड़ाके की ठंड में अपना घर बार छोड़ के जो बैठे हैं, जो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं कि शांति और अनुशासन के रास्ते से ऐसा संघर्ष कि शांति का अनुशासन का रास्ता इन्होंने जो छोड़ा नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ऐसा रास्ता प्रजातंत्र में यही रास्ता है जो सफलता की तरफ बढ़ा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही तो मैं आज सारे अपने देश के किसान को यहाँ से हम बहुत बहुत नमन करते हैं कि वो इसी रास्ते पे चलते रहें। और देश की सरकार को आज कहना चाहते हैं कि देश की सरकार थोड़ा बड़ा दिल दिखाए, कोई दया दिखाए, कोई करुणा दिखाए। अगर किसान के नाम पे नहीं तो इंसानियत के नाम पे, अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, प्रजा की बात मानने से कोई हार जीत नहीं होती। ये किसी का ईगो का, अहम का, किसी के अहम का प्रश्न नहीं, किसी के अहंकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब सारा किसान देश के सभी 350 किसान संगठन एकजुटता से कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून हैं, ये कानून हमारे हक में नहीं है, इससे हमारे भविष्य को आप औद्योगिक घरानों के हवाले छोड़ के सरकार पीछे हटेगी, तो सरकारी रेट पे भी आने वाले समय में खरीद नहीं होगी, जिसकी बड़ी चोट किसान पे भी पड़ेगी और गरीब आदमी पे भी पड़ेगी। जो पीडीएस की व्यवस्था है, आने वाले समय में राशन डिपो के माध्यम से सस्ता अनाज गरीब आदमी को मिलने में, या जो है सस्ता अनाज नहीं मिलेगा राशन डिपो की बजाय प्राइवेट दुकानों में जो है वो आने वाले गरीब आदमी को जाना पड़ेगा। तो ये बात लेकर जब पूरे देश के किसान, पूरा किसान वर्ग, सारे संगठन एकजुट हैं, तो सरकार को भी समझना चाहिए इन तीन जो है बिलों को वापस लेके इस पूरे मामले का समाधान किसान को, जो है किसान के पक्ष में सरकार को लगाना चाहिए, निकालना चाहिए। ये आज हम देश की सरकार से कहना चाहते हैं। आज तो मैं आप सबसे सगो नारनौंद में आज हम ये बैठे हैं इस गौशाला के अंदर, तो मैं सर्दी का भी टाइम है, कोई सा जो है किसने लोई पे उड़ रखी है, तो किसने अपने गोज में हाथ गाल रखे हैं, किसने कोई गोचे बैठा है, तो एक बार सारे भाई जो इस बात से सहमत हो सारे हाथ खड़ा करके भाई जो है कि भाई सरकार से हम आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ी सी जो और ये राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हर बात से ऊपर उठ के बैठे हैं, धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, भाषा से ऊपर उठ के, प्रदेश से ऊपर उठकर, कोई पंजाब का है तो कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का है, हर बात से, कोई राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक आस्थाओं से ऊपर उठ के बैठे हैं और एकजुटता से मांग कर रहे हैं। मगर जो है तो इसीलिए सरकार को भी इतना कठोर हृदय सरकार को नहीं होना चाहिए। ये राजहट ये जो कुर्सी है ये समझना चाहिए सरकार को, ये कुर्सी भी लोगों की दी हुई कुर्सी, तो ये हम बार बार सरकार से कहते हैं कि भाई इसमें राजहट छोड़ो, राजधर्म मानो, अपनी प्रजा की बात मानो, कोई ना कोई समाधान निकले। तो ये आज ऐसी हमारी सबकी भावना है। बाकी मैं अपनी कमेटी का, पूरी गौशाला का, नारनौंद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके बीच में आने का जो है आपने का निमंत्रण आया, मौका मिला। पहले भी जब आपने बुलाया था तो जब आया था, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जब आपने बुलाया था, बल्कि सत्ता में तो उस समय ये गौशाला लेट आपने उस समय जो है ना जो है तब लग जो है तो विपक्ष में थे, फिर भी आपने बुलाया पिछली बार, तो आप अपना घर मान के पूरे अपनेपन में मैंने कोशिश करी कि मैं जो है आपका आशीर्वाद लेने के उस समय भी पहुंचने की का कोशिश करी, और जो आपने उस समय भी कहा तो ये कभी नहीं, ये मुँह से नहीं निकला कि हम विपक्ष में हैं, सत्ता में तो भाई सरकार तो भाई खट्टर साहब की है, ये तो नहीं कही होगी ना। तो जो हमारे एक MP थे हमारे राज्यसभा के, शाहीलाल बत्रा जी, उनके माध्यम से आपने जो आज जिसका उद्घाटन कराया जो शेड का, अब भी 14 BJP के MP हैं भाई प्रदेश में, टोटल 15 MP हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में 14 BJP के हैं, विपक्ष में एक जो है एक अकेले का नंबर आ रहा है विपक्ष में, तो अब भी भाई मना नहीं करेंगे, अब भी 11 लाख अपने राज्यसभा कोटे से। तो भाई तो भाई अब भी उसी अपनेपन से भाई हो सकता है तो भाई उसी अपनेपन से और भाई कहते हैं उसी लाड से, उसी प्यार से और उसी प्रेम से। तो मैं एक बात मगर सवाल पूछना चाहता हूँ, सारा देखो पूरा नारनौंद बैठा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई 36 बिरादरी के हमारे भाई बैठे हैं, भाई मैंने एक बात बताओ
जद कदे कोई भी काम पड़ा, कभी मेरे को बुलाया, तुमने मेरे व्रत के भी देखा हुआ है, सारी बात देखी हुई है, मैंने पूरा खूब अपनापन माना है कि नहीं माना, नहीं बताओ भाई। ये भी देखो, राज्यसभा का मेरे को जाने का मौका मिला राज्यसभा में, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर बड़ौदा में इलेक्शन आ गया। आज पहला दिन है कि राज्यसभा की ग्रांट दे रहा हूँ, पहला दिन। अभी रोहतक में भी कहीं राज्यसभा की ग्रांट नहीं दी, आज ही पहला दिन है जो घोषणा करी है और अपने यहीं से शुरुआत करी। तो भाई, तो पूरे हरियाणा में हमारे 31 MLA भी हैं, वो भी मांगते हैं कि भाई पहले हमारे हल्के में दो, मानते हो ना? और भाई फिर भी यहाँ पे हमारे जो है, आपने यहाँ से हमारी पार्टी के विधायक नहीं हैं, मगर फिर भी एक जो है छोटे से बुलावे पे न्योता, अपनेपन में मानता आदमी, मानता है ना अपनेपन में। आप एक बात बताओ ना, एक ना वो ठीक है, अभी एक बात बताओ भाई, जितना अपनापन मैं मान रहा हूँ, मैंने न्यू बताओ भाई, तुम भी उतना अपनापन मानते हो कि नहीं मानते, न्यू बता दो भाई। देखो भाई, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो सरकार, जो ये हरियाणा के अंदर जिन्होंने इतना नुकसान पहुँचा दिया, हरियाणा को इतना नाश कर दिया, हरियाणा में जो ये जो है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक पहुंचा दिया, किसान कर्मचारी गरीब आदमी सारे आज सड़क पे ला दिए ऐसी सरकार, तो भाई ये इस सरकार से ईब के नहीं पीछा छूट जाता, पंडा छूटने नहीं हो रहा था। सही बात है ना, दो चार की कसर, दो चार सीट की कसर रहेगी ना तो हो लिया था काम। जिस दिन गिनती आओ थी, उस दिन एक बात बताओ, 12 बजे जब गिनती आओ थी तो भाई का 12 बजे देख के न्यू नहीं होते रहेगी, हो गया था काम, ये था ना? तो ईब के ने हो गया था काम, दो चार की कसर रहेगी। तुम इतना अपनापन मानते हो तो मैंने एक बात बताओ, मैं इतना अपनापन मान रहा हूँ, तुम साथ दे दो, बाकी चुकर देगे तो सारा काम ठीक बांध रखा है, तुम साथ दे दे भाई ईब के ने। ईब के ने जो है ना, एक बार बताओ भाई, इस बार आशीर्वाद पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता दो भाई सारे। तो ये तो मैं जो है ज़्यादा और बात ना करते हुए एक बार फिर गौशाला कमेटी को भी, अच्छी गौशाला का जो संचालन हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं नए साल की भी। और आखिर में किसान के मैं दो नारे लगवाऊंगा भाई, आप सब जो है उस नारे में एक बार लोही उस लोही से और गोज से बाहर काट कर ने, और भाई किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान एकता, जय जवान। एक बार भाई जोर से लाना पड़ेगा भाई, एक बार कति, जय जवान, जय जवान, जय हिंद। इस साइड कोटे की ग्रांट स्टार्ट होगी, उस समय 11.25 लाख रुपए, जोरदार तालियां दीपेंद्र हुड्डा के लिए, जोरदार तालियां। अरे ये रे, सारे इनके हैं, सुदामा के चावल हैं, ये जो है ये है एमपी साहब, तालियां बजती रहनी चाहिए। अरे 2017 में 11.25 लाख, 11.25 लाख आज, और विपक्ष में होते हुए बहुत बड़ी बात है। परमात्मा इनको आने वाले समय में CM बनाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। 11.25 लाख तक कम नहीं भाई, जेपी का दे दो। आशा के अनुसार और आशा से भी बढ़कर दान देने वाला अगर कोई नाम है तो वो है दीपेंद्र हुड्डा। इतना शील स्वभाव, इतना शांत स्वभाव, किसी भी सांसद का होना अवतार से कम नहीं। दीपेंद्र जी हुड्डा अपने आप में पत्रकार, सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा और उनके साथ आए हुए अतिथि, उनको रुखसत किया, विदा किया, और अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। हम एक बार पुनः फिर मैनेजमेंट कमेटी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हर वर्ष की भांति इस साल भी आपने बहुत अच्छा योगदान सहयोग किया, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे लिए सम्मानित कुलदीप जी गौतम,
उन्होंने एक रागनी की फरमाइश करी काफी देर से। जिस समय जयमल की और उसकी मामी की तकरार हो जाती है, जयमल ने कहा